यूपी के बुलंदशहर में तथाकथित गौ हत्या के बाद हुई हिंसा पर सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। सीएम की समीक्षा बैठक विवादों में है। दरअसल इंस्पेक्टर सुबोध सिंह की हत्या के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने कई सीनियर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस बैठक का प्रेस रिलीज सामने आया है, जिसमें सारा ध्यान गौकशी पर ही रहा। प्रेस रिलीज में हिंसा में मारे गए पुलिस अधिकारी सुबोध कुमार की मौत पर कोई चर्चा नहीं है। खबरों के मुताबिक सीएम के साथ मीटिंग में मुख्य सचिव, डीजीपी, प्रमुख सचिव गृह, अपर पुलिस महानिदेशक इंटेलिजेंस के साथ साथ कई बड़े अधिकारी मौजूद थे। इस प्रेस रिलीज में गंभीरता से जांच कर गौकशी में शामिल लोगों पर कठोर कार्रवाई करने का आदेश है। मुख्यमंत्री ने इस घटना की समीक्षा कर निर्देश दिए हैं कि इसकी गंभीरता से जांच कर गौकशी में संलिप्त सभी व्यक्तियों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि घटना एक बड़े षड्यंत्र का हिस्सा है, इसलिए गौकशी से संबंध रखने वाले प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सभी तत्वों को समयबद्ध रूप से गिरफ्तार किया जाए। हिंसा में मारे गए सुमित के परिजनों को मुख्यमंत्री राहत कोष से 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की भी घोषणा की है। 19 मार्च 2017 से अवैध स्लॉटर हाउस बंद कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने इस घटना के क्रम में भी सभी जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को ये निर्देश दिए हैं कि जिला स्तर पर ऐसे अवैध कार्य किसी भी दशा में न हो, ये उनकी सामूहिक जिम्मेदारी है। समीक्षा बैठक के अलावा अभी तक सीएम मारे गए इंस्पेक्टर के परिजनों से नहीं मिले, इसको लेकर भी आलोचना हो रही है। बताया जा रहा है कि सीएम गुरुवार को लखनऊ में सुबोध सिंह के परिजनों से मुलाकात कर सकते हैं। आपको ये भी बता दें कि सुबोध के परिजन चाहते थे कि सीएम मृतक सुबोध की अंतिम यात्रा में शामिल हों, लेकिन वो नहीं आ सके। अब सीएम लखनऊ में गुरुवार को मुलाकात करेंगे। वीडियो डेस्क अमर उजाला .com